हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसे आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो दोस्तों, अभी बज रहे दोपहर के 2 और दोस्तों आज है गणपति का आखिरी दिन, मतलब हमारे यहाँ 5 दिन की गणपति, तो आज 5वां दिन है और आज हमसे दूर जा रहे हमारे गणपति जी। दोस्तों ये थोड़ा दुखद भरी जो कहानी होती है, जैसे कोई बच्चे से उसके माँ बाप का छाया छिन जाता है, वैसे कुछ हो रहा है, वैसे मतलब फीलिंग आ रही है। क्योंकि हर बार गणपति जी आते हैं, हर बार फिर से गणपति चले जाते हैं, आने की खुशी होती जो वही जाने का उतना ही गम होता है, दुख होता है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, चलो अभी जाते हैं विसर्जन के लिए। उससे पहले दोस्तों, आप इस वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी पहले चलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे देखो वहाँ पे है, वहाँ पे पहले चलते हैं हमारे मंदिर के पास जहाँ गणपति है, और उसके बाद आएंगे फिर से वहाँ से आरती पूजा करने के बाद कुर्ता पहनेंगे। तो चलो दोस्तों बने रहना वीडियो में, चलो वहाँ पे भी चलते हैं। तो दोस्तों अभी रखने वाले हैं स्पीकर यहाँ से अंदर, एकदम मस्त अच्छे तरीके से लगा देंगे, और बाद में नाते नाते जाएंगे यहाँ से। और हमारे प्रीतेश भाई अब ये सब सामान ऊपर चढ़ाया जा रहा है टेम्पो में। देखो योगेश भाई की मुस्कान देखो, ये हमारे छुटकू दोस्त, हमारे पास सोना है, सोना घर पे आए घर पे सो जाओ। और दोस्तों ये रही हमारे प्यारे गणपति बाप्पा जिनका आज विसर्जन होने वाला है। अभी सब तैयारी कर लेते हैं विसर्जन की, और बाद में महाराज आएंगे तो सबको दिखाएंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ब्लॉग पूरा देखना, आपको बहुत मजा आएगा आज का विसर्जन का ब्लॉग। ये बहुत भारी है, वजनदार है दोस्तों, देखो कितने सारे लोग लगे हैं ताकि आसानी से उठाए जाए कुछ। ये हमारे कल्पेश भाई भी आ चुके हैं, तो अभी सब काम करते हैं और विसर्जन में तो जाना है। और ये हमारा स्पीकर सब लग चुके हैं, अभी बजेगा जोरदार। और दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं, देखो ये धारिया लेके, इसको बोलते हैं धारिया हमारे इधर, ये जो पूरा ऊपर लगा होता है कोयता टाइप पे, और ये पूरी लंबी लकड़ी होती है बांस की। और अभी इसको ये जरूर गिराना है नारियल को, ताकि जो हम ट्रैक्टर आ चुका है उसको सजाएंगे उसकी, क्योंकि इसमें गणपति जाने वाली है। तो इसको अभी गिराते हैं। और ये हमारा आयुष भाई यहाँ से पहुंच नहीं सकते थे, इसलिए उर्जित भाई वो घर पे चढ़ गया। देखो वहाँ से अभी निकालेंगे और ऊपर चढ़ना पड़ेगा, यहाँ से नहीं हो, पूरे छत पे चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से काट पाएंगे। ए हमारा उर्जित भाई। और दोस्तों हम जा रहे हैं विसर्जन में। ये सूखा नारियल इधर गिर चुका है, ऊपर हरे हरे नारियल, वो एक बार गिराएंगे देखते हैं कैसे हैं। चलो इसको साइड पर रख देते हैं, अभी 2 नारियल गिरे हैं, अभी हरे नारियल गिरा रहे हैं यहाँ पे, आ चुका है नारियल। और ये महाराज आ चुके, अभी पूजा स्टार्ट होगी विसर्जन वाली। और ये हमारी गणपति, पत्ते गिराए थे वो वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। और ये हमारे मंडल का पोस्टर, हमारे इस बार की गणपति उनका भी इसमें फोटो है, और अभी टेम्पो पे लगाया जाएगा। ओए आंख ऊपर ले लेने। पूर्वी पूर्वी
दोस्तों अब सब हम रेडी हो जाते हैं। सब लोग ने कुर्ता पहन लिया और हम लोग पहनना बाकी तो चलते घर पे और कुर्ता पहन के आते हैं। ये गाड़ी का चाबी गाड़ी लेके जाएंगे हम। इनको गाड़ी की चाबी दे दिया लेकिन कुछ मिलेगा नहीं इनको क्योंकि इतना बड़ा टेम्पो तो चलाएंगे। हम बचपन से गाड़ी उड़ाते आ रहे हैं, पहली गियर में गाड़ी उड़ा देते हैं। चलो दोस्तों अभी चलते हैं घर पे और कुर्ता पहन के आते हैं नीलम भाई। दोस्तों अब मैं हो चुका हूँ रेडी, अब चलते हैं वहाँ पे गणपति है वहाँ पे फेटा बांधना। देखो इन लोग सब ने बांध दिया है कि फेटा बेटा सब। देखो दोस्तों अब मैं भी चलता हूँ वहाँ पर। तो दोस्तों चलो वहाँ पे चलते हैं और मैं भी फेटा और बांध देता हूँ। चलो वहाँ पे चलते हैं अभी। हमारे छोटे दोस्त रेडी हो चुके हैं। हम बैठ चलना
और दोस्तों हम लोग आधे तक पहुंच आए हैं और देखो और देखो सब लोग बहुत आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है गणपति विसर्जन में। दोस्तों आधे तक हम पहुंच चुके हैं, आधा रास्ता हमने कंप्लीट कर लिया, आधा रास्ता बाकी है, जाके हमारी इधर जो बड़ी खाड़ी है उसमें हम विसर्जन करेंगे। तो चलो दोस्तों अभी वहां तक बने रहना और यहां से वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं, देखो भाई, देखो छोटे चेतन, हाँ चेतन भाई, और हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं सामने, ये देखो यहाँ पे। तो चलो अभी विसर्जन करते हैं गणपति बाबा का पहुंचने के बाद। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं सामने, देखो यही खाड़ी में हम विसर्जन करेंगे। उदित भाई और कितनी सारी भीड़ है, बहुत सारी गणपति भी आ रही है यहाँ पे। देखो हमारे हितेश भाई और सब लोग हम पहुंच चुके हैं यही पे सामने। आप बोलो गणपति बाप्पा मोरिया लोकरिया। दोस्तों देख सकते हो हम लोग पहुंच चुके हैं, जैसवा हम सब पहुंच चुके हैं, देखो हमारे गणपति सामने। और ये रही खाड़ी जहाँ पे हम गणपति का विसर्जन करेंगे और कुछ गणपति हो भी चुके हैं विसर्जन, अब है हमारी बारी। हम पहले आरती करेंगे, अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे, शुरुआत करेंगे विसर्जन। बोलो गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति मोरिया, दोस्तों अभी हम जा रहे हैं गणपति विसर्जन के लिए, देखो जयेश भाई, गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा। यहाँ पे बहुत कीचड़ हो चुका है, चलते अभी विसर्जन के लिए बापा के। गणपति बाप्पा मोरिया। जो मन तोड़ू गणपति बाप्पा।
का वाला चैन पड़े ना हमारा। तो दोस्तों गणपति जी का विसर्जन करके हम पापा का विसर्जन करके हम घर पे आ गए हैं और दोस्तों बहुत 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 ही मजा आया, बहुत ही मजा आया, बहुत अच्छे से हमने विसर्जन किया बापा का। और बापा हमारे साथ लास्ट 5 दिन से हमारे साथ रहे थे और 5 दिन के बाद बापा हमारे साथ से चले गए। कोई नहीं दोस्तों, अभी अगले साल बापा फिर से आएंगे, उनका वेट करेंगे जल्दी जल्दी। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, मजा आया हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय। गणपति बापा मोरिया, जय श्री राम।